साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक खास अपडेट के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। अपडेट कुछ यूं है, 31,661 को लेकर के जो कसमकस की स्थिति बनी है उसमें हम सुबह आपको बताए थे कि इसके अंतिम परिणाम बड़े गजब के होंगे। कुल मिला जुला के दोस्तों, कहीं आपको ज़्यादा गुणांक वाला व्यक्ति जो है अचयनित नज़र आएगा और कहीं पे जिनके कम गुणांक होंगे वो चयनित होंगे। तो कुल मिला जुला के कहीं खुशियां और कहीं गम, अगर 31,661 पदों पे भर्ती होती है तब एक बेहतरीन आंकड़ा अभी सोशल मीडिया पे भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और शायद आप सभी तक ये पहुंच भी गया होगा। तो आइए देख लेते हैं कि आप कुछ आंकड़ा है इसमें, और जो भी साथी हमारे नए हमसे जुड़ रहे हैं वो जुड़ते जाएंगे। क्या कुछ खास अपडेट है, आप इस अपडेट का हिस्सा बनिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास अपडेट है। तो दोस्तों एक लेटर के माध्यम से ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। आप यहाँ देख सकते हैं, सेवा में बेसिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शासन, विषय है 31,661 बेसिक शिक्षा भर्ती के संबंध में। कुल मिला जुला कि ये एक पत्र है, बाकी इस पत्र को आप शायद पढ़े भी होंगे। अगर नहीं पढ़े तो एक हल्का सा जो है हम आपको बताते चले। महोदय, आपको अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र दिनांक 24/9/2020 आगे पत्रांक संख्या 1125/ ये एक डाटा इसको छोड़ दीजिए, के आदेश के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान की गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन है। 31,661 पदों को 69,000 पदों के सापेक्ष आवंटित जिलों की सूची से भरा जा रहा है। तो ये चीज़ हमने आपको बताई भी थी ऑलरेडी पहले कि गतिमान स्थिति जिस भर्ती की जा रही है उसका ऑर्डर जबकि रिजर्व है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सिर्फ पत्र की बात है, आगे मैं इसमें और भी हम आपको बताते चले। सीधा आप आ जाइए डाटा के पास कि डाटा क्या कहता है। कुल मिला जुला के देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कैसे कोई चयनित और अचयनित की स्थिति होती है। तो कुल मिला जुला के देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिया गया, बहुत बेहतर और बहुत ही सुंदर तरीके से चीजों को समझाया गया है। जिस भाई ने भी ये किया है वो बखूबी काबिले तारीफ है। देखिए पूर्व की स्थिति क्या थी, 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष जब भर्ती हो रही थी तो अभ्यर्थी मान लो कोई क है और कोई अभ्यर्थी क है, दो सेम अभ्यर्थी है, एक का गुणांक 74 है दूसरे का 69 है। आवेदित जनपद 75 जिलों में उसने आवेदन किया, 75 उसने किया। आवंटित जनपद इनको लखनऊ मिला और इनको बदायूं मिल गया। आवंटित जनपद में पद 320 थे और यहाँ 2200 थे, ठीक है। आवंटित जनपद में अभ्यर्थी के रैंक 160 थे और यहाँ 700 था, तो दोनों क्या हुए, चयनित हुए थे। ये 69,000 के सापेक्ष बात हो रही है। जब ये भर्ती कम हो जाएगी, सीटें जब कम हो जाएगी तो सेम चीजें क्या बनेंगी वो देखिए। एक मित्र ने मुझे कमेंट किया कि क्यों अफवाह फैला रहे हैं, तो उनको आंख खोल करके ये वीडियो देख लेना चाहिए और चीजें उनके बखूबी समझ में आ जाएगी। जब सीटें कम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक हर चीज कम हो जाएगा। तो देखिए उसी चीज को फिर से उसी के सापेक्ष समझिएगा, गुणांक 74 है, गुणांक 69 है और वही सेम चीजें हैं। लखनऊ और बदायूं की बात कर की जा रही, फिर से आवेदित जनपद 75 इस बंदे ने भी डाला और 75 इसने भी डाला। आवंटित जनपद इनको लखनऊ मिला और इनको बदायूं मिला। आवंटित जनपद में पद 148 और यहाँ 1009 हो जाएंगे। क्यों, जब पद कम हो जाएंगे 69,000 में तो ऑटोमेटिक यहाँ भी कम हो जाएगा, यहाँ 148 और यहाँ 1009 बचे। अब देखिए आवंटित जनपद में अभ्यर्थी के रैंक 160 बन रहे हैं, यहाँ 700 बन रहे हैं और ये अभ्यर्थी चयनित हो जाएगा जबकि ये अचयनित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सीटें कम है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों ये चीजें आगे जरूर आएंगी और जिन अभ्यर्थियों के गुणांक अच्छे हैं अगर वो अचयनित होंगे तो न्यायालय की शरण में जाएंगे, फिर से अपनी बातों को रखेंगे और भर्ती और भी पेचीदा फंसेगी। तो ये डाटा बेहद सुंदर डाटा है जिसके माध्यम से समझाया जा रहा था। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति जरूर उत्पन्न होगी अगर 31,661 पदों पर भर्ती होती है तो। इसके परिणाम अविश्वसनीय होंगे, इसके परिणाम अविश्वसनीय होंगे। हालांकि अभी तो कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है कि चलो मेरा हो रहा है, निजी स्वार्थ देख रहे हैं। हमने भी देखा है बहुत सारे लोग पहले सबको एक साथ लेकर के चलते थे और प्रेजेंट टाइम में स्थिति ये हो गई है, लोग साथ छोड़ दिए हैं। जिसका जहां स्वार्थ सिद्धि हो रही है वो उसी में खुश है, उसी में मगन है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों इसका अंतिम परिणाम बहुत ही
उलझाऊं और बहुत ही ये मान के चलिए कि बहुत ही फंसाऊं होगा। तो आशा करते हैं चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।